अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शाम का भी 6:05 हो रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रही थी और जिया यहाँ पे मैगी की पार्टी कर रही थी और लाइन ही हम लोग उड़ा दिए। हुआ ये ना कि वीडियो एडिट किए तो बहुत ज्यादा गर्मी था तो मैं कूलर ऑन कर ली और जिया इंडक्शन ऑन करी थी, मैगी बना रही थी और लाइट ही उड़ गया। लाइट उड़ गया मतलब आप लोग सोचेंगे यहाँ तो सिर्फ इसी रूम में लाइट जल रहा है, कूलर वूलर कुछ नहीं जल रहा और सब रूम अंधेरा है। तो इनके पास फोन किए थे तो ये कर दिए हैं कंप्लेन और अभी थोड़ा देर में आएंगे बनाने वाले। देखिए पूरा घर अंधेरा अंधेरा। तो अभी उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं अंधेरे में आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रही हूँ। तो चलिए जल्दी से सोफा ठीक कर दे, ये वाला सोफा खराब है और अभी तो अंधेरा है तो अभी नहीं पता चलेगा कि सोफा खराब है, लेकिन हाँ जब अचानक में लाइट जल जाएगी तो सोफा गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाक से सोफा वोफा ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। तो आज सब लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, ना कहीं जाना है। जीसू को ट्यूशन जाना है अभी तो हम बोले कि थोड़ा सा वेट कर लो और अंकल आ जाएंगे ना तो बनवा लेना और उसके बाद चले जाना। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर जीसू चला जाएगा ट्यूशन। तो यहाँ पे दोनों का ना लड़ाई भी चल रहा था कि आखिर किसकी गलती की वजह से लाइट उड़ा है और ये तो पता नहीं है। अभी जब वो आएंगे ना उसके बाद पता चलेगा कि आखिर वाकई कुछ ना कुछ तो शॉर्ट हुआ है जिसकी वजह से उड़ा है। और हम लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जीसू ट्यूशन निकल चुका है लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। तो आशी भी आ गई है। हाँ अब लाइट आ गई है लेकिन फिर भी। तो अभी 7:05 हो रहा है और अभी जस्ट वो बना के गए और जब वो आए ना बनाने के लिए तो मैं भूल ही गई वीडियो बनाना क्योंकि अंधेरा था ना तो लाइट इसी से चला था, जैसे कि इसी से चला था मतलब कि फोन का ही फ्लैश लाइट जो होता है ना वो दिखा के वो बना रहे थे तो इसीलिए वीडियो ही नहीं बन पाया और मेरा आज वीडियो अपलोड होने में लेट भी हो गया क्योंकि वो लेट में आए, 1 पूरा लगा दिए पता नहीं। और बोल रहे हैं ना कि 10 में आया हुआ, हम कहे 6 का फोन किए और अभी आ रहे हैं 7 आप। तो बस बन गया है और लाइट आउट सब जगह चालू हो गया। और हाँ खराब कहाँ था ये भी बता दे कि इंडक्शन हमारा खराब हो गया तो इंडक्शन की वजह से ही उड़ गया था तो अब उसको बनाना है ना। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में क्योंकि मैं जा रही हूँ वीडियो को अपलोड करने के लिए, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे जिया तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए और वो बैठे हैं और हो सकेगा तो भैया आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना जान हथेली पे लेके जा रहे हैं युद्ध लड़ने। जीसू के साथ हम जा रहे हैं कार में, हम परेशान करके रखा था मम्मी चलिए मम्मी चलिए मम्मी चलिए तो हम जा रहे हैं जीसू के साथ। है जीसू आ भी रहे हैं बाबू, एकदम आराम से चलना। फिर बोले हम बोले तो संदेश बैठने को। अच्छा चलो अब मेरा मत बनाइए ना। तो फर्स्ट टाइम जीसू के साथ कार में बैठना, सही बताया तो अंदर अंदर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि 2 में जो सीखा है ना वही है और कोई भी इसके साथ नहीं बैठा है सिवाय जुबैर के क्योंकि जुबैर ही इसको कार चलाना सिखाया है। और जब इनसे बोला तो ये नहीं गए, बोले अभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि कोई चीज़ सीखो तो लगता है कि घर वाले भी बैठे तो अच्छा है, तो बोल रहा था तो फिर मैं तैयार हो गई, मैं बोली कि चलो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। और सही बताएं तो बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और ऐसे बैठ के जाना। आप लोगों को वो दिन भी याद होगा ना जब मैं जीसू के साथ बाइक पे बैठ के गई थी पहली बार, तो वाकई बहुत खुशी होता है। चल जल्दी। तो हम आ गए अपना जान हथेली पे लेके गए थे और अच्छा चल रहा लेते हैं, सिर्फ परेशान किया था मम्मी चलिए और कोई नहीं इसके साथ बैठ रहा था है। देखे आप उसके साथ बैठ नहीं रहते, कितना बढ़िया गाड़ी चला के लेके गया और तुम भी नहीं बैठ रही थी। देखो हम पूरा घूम कर आए, अरे जान हथेली भी लेके गए थे। तो बच्चे बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये गए हैं दूध लेने के लिए, नाइट बल्ब निकाल रहे थे सब जगह का।
तो बस अब चलते हैं, सब रूम वूम ठीक कर लेते हैं। इनके आने से पहले सोते रहना, सब रूम वूम ठीक कर ले और उसके बाद फिर इत्मीनान से बैठेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। जीसू भी आ गया, जिया तो सुबह ही आ गई थी लेकिन जीसू अभी आया 12 बजे। ठीक 12 बजे आया था, 11:30 बजे ऐसे ही 12:30 बजे आया था। और हम भी नहा के आ गए हैं, खाना वाना बन चुका है, बस अब चोखा बनाना बाकी है। तो हम सोचे कि सबसे पहले आप लोगों को दिखा दे कि कल हम लोग शॉपिंग करके आए थे तो क्या क्या लेकर आए थे, कल नहीं परसों। तो चलिए बस फटाफट दिखा लेते हैं, इसमें मेरा कोई भी नहीं, जैसे मैं बताई थी सिर्फ जिया शॉपिंग करी है और जीसू। अब जैसे ये मत बोलना कि मेरा बर्थडे आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जिया का ही दिखाते हैं। तो जिया एक ये प्लाजो लिया, प्लाजो पैंट है ये, जो कि जिया को होगा नहीं, हमको होगा अच्छे से होगा। तो चाहे अगर हम भी पहन सकते हैं और जिया भी पहन सकती है ना। तो ये है, और इसका अगर प्राइस की बात करें तो 299। और कोई इसमें डिस्काउंट वाला नहीं है, सिर्फ एक है ये, इसका जो नाइट सूट है एक के साथ एक फ्री था। तो ये है जिसमें का एक निकाल के पहन लिए और एक ये। और इसका प्राइस का बात करें तो 330 रुपीज का है और एक के साथ एक फ्री था। ओके, और ये इसका हल्का फुल्का जो जैसे जाती है नीचे ना, तो उसके लिए टॉप ले लिए और ये थोड़ा सा लॉन्ग लिए। बहुत जल्दी जल्दी छोटा हो जा रहा था इसका, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबाई ले लिए। 250 रुपए का है ये, और ये भी एक के साथ एक फ्री वाला है, ये देखिए। तो इसके साथ एक ये फ्री है, ये कलर जो कि पता नहीं, लेकिन ना इसमें का एक लाइट कलर का था, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, व्हाइट था ना, सिल्वर में जो भी वो था, लेकिन जिया को ये कलर अच्छा लग रहा था। और ये ठीक ही है, उसमें गंदा करती ज्यादा। और एक ये ली है अच्छा सा, अच्छा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पहले जो टॉप सब पसंद कर रही थी उसमें से भी एक ली है, और ये लास्ट में मुझे उतरते उतरते भी अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये पिंक, ये पिंकी बहुत ज्यादा। और इसका जो नीचे वाला ये है ना, इसमें इलास्टिक लगा है तो ये जो नीचे से पकड़ लेता है, तो ये वाला अच्छा लगता है मुझे ये। और इसका प्राइस अगर बात करें तो 550 रुपए का है ये सिंगल, और इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, बहुत कम में डिस्काउंट था। और एक ये वाला टॉप, जो कि आप लोग बहुत लोग गेस किए कि ये वाला जिया ली होगी, तो हाँ ये वाला ली है। जबकि मुझे ना दो और पसंद था, एक वो ब्लू वाला पसंद था और एक कौन था, लाइट ग्रीन कलर का जो था ना टॉप, मुझे वो ज्यादा पसंद आ रहा था, नहीं येलो नहीं ग्रीन था। तो ये, और इसका अच्छा लगता है ये कुर्ती वाला, और इसकी जो आस्तीन है ये कुर्ता वाला जो होता है वो, तो अच्छा है। अब ये देखिए, अगर स्कूल जाना हुआ अगर उस दिन ऐसे, तो बस इसको ब्लैक जीन्स पहनेगी तो अच्छा खासा हो जाएगा। दोनों ही टॉप पे ना ब्लैक कलर का अच्छा लगेगा। और जिया का हो गया है खत्म, अब जीसू का दिखाते। तो जीसू अपने लिए ये वाली टी शर्ट लिया, सिंपल है, उसको ब्लैक बहुत ज्यादा तो ये घर में है इसीलिए पीछे से आवाज आ रहा है। तो ये जीसू लिया है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर मुझे भी बहुत पसंद है और जीसू को भी बहुत पसंद है बहुत। तो सिंपल है और अच्छा लग रहा था, इसमें साइड में चैन दिया है क्या, नहीं। तो ये एक और वंस अगेन ब्लैक ये एक, ये भी जीसू की टी शर्ट है और ये 200 रुपए की है, 199 रुपीज की है। और ये वाली कितने की है, ये 330 रुपीज की है, ये थोड़ा सा महंगा है। और बच्चों के लिए ना ज्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम में ही काम चल सकता है, बस कुछ दिन पहनो और हटा दो, पहनते ना अभी ना बोर हो जाते हैं।
तो एक ये जीसु लिया है टी शर्ट, और ये ना ठंडी वाली है। ठंडी का सारा आइटम आ चुका था जब हम वहां पे पहुंचे ना मॉल में, तब पता चला कि ठंडी आ गई है, नहीं तो इतना दिन से ऐसा लग रहा था कि गर्मी चल रहा है, लेकिन हाँ मॉल में आ गया है। तो ये देखिए, और ये वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्लू कलर से है, और दूर से देखिए तो ब्लैक का वो लग रहा है, लेकिन ये ब्लू कलर से है, और कारपेट वाला आया है, और ये भी ना 330 रुपीस का ये। और ये अपने लिए दो शॉर्ट्स लिए, ये जो कि हमेशा घर में पहनते रहते हैं, और ये जीसू अपने लिए लिया है सेक बंद करने के लिए, और ये वाली जो है ये चादर फ्री मिली है, जितनी भी शॉपिंग किए थे ना उसमें ये चादर फ्री मिली, अभी तक हम लोग खोल के देखे भी नहीं है कि कैसी है। यहाँ से जो कि ये पसंद ना बच्चे किए, हम नहीं किए, जैसा कि आप लोग देखे थे हम नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये वही मिक्स वाला है, ये ना पहन, ये पहन के कह रहे बिछा के और सोने वाला नहीं है, हाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तो बस तुरंत बिछाइए और उनके जाने के बाद ना हटा दीजिए। ये देखिए डार्क कलर में अच्छा लग रहा है, बिछाने पे अच्छा लगेगा। और जो इससे पहले वाला जो था ना, जो वन इंडिया फैमिली मार्ट में एक बार हम लोग को मिला था, लेकिन उससे अच्छी चादर है ये, थोड़ा सा मोटा है, ये अच्छी है, और धोने के बाद ना भी थोड़ा और भी ये मोटा होगा। ये देखिए इसमें दिखाई है ना, अच्छा जिया करिए कि इसमें दिखाई, ये देखिए दिखा लिए। तो ये थी इतनी सी हम लोग की शॉपिंग। तो आप लोग सब लोग बोले थे कि बाजी दिखाइएगा, दी दिखाइएगा, तो मैंने दिखा दिया, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते ही ना 3000 की शॉपिंग हो गई थी हम लोग की, बहुत महंगाई चल रही है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और तुरंत मुझे अब अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।